अरे पीछे जाओ चलो जब आ जाओ दिलीप रामेश्वर ड्यूटी को हुआ है जयपुर मानसरोवर मंगलम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर रामेश्वर ड्यूटी का हालचाल जाना और अब डॉक्टर से लगातार हालचाल भी ले रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट आपको बताते चले, रामेश्वर डीडी को अब एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मंगलम अस्पताल में इससे पहले उनका इलाज किया जा रहा था, ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्हें मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस में रामेश्वर डूडी को ले जाते हुए और अब इसके ठीक बाद एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज किया जाना है। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे थे, मंगलम अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की थी और आगे का इलाज अब एसएमएस अस्पताल में किया जाएगा। रामेश्वर डूडी को अब रेफर कर दिया गया है जयपुर एसएमएस अस्पताल के लिए। ले ले तो एक जाना माना चेहरा कांग्रेस नेता रामेश्वर डीडी जो कि ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं और डूडी को अब एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की ओर से अब मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं और ये प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाए और दोबारा से हम सभी के बीच सामने आ जाए, ठीक ठाक से सब कुछ हो जाए। इसी को लेकर अब उन्हें रेफर किया गया है एसएमएस अस्पताल में। बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब रेफर कर दिया गया है एसएमएस अस्पताल के लिए, कितना वक्त लगेगा अस्पताल पहुंचने में और अभी क्या स्थिति है उनकी? और उनके सुप्रीम तक उनकी जल्द सलामती की दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो यहाँ से करीब 15 मिनट में एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएंगे और हायर सेंटर है एसएमएस अस्पताल जहां पर तमाम सुविधाएं हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस के अधीक्षक से यहां पर जितने भी न्यूरो से जुड़े हुए डॉक्टर हैं शहर के उनसे भी बातचीत करी है। तो तमाम जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उन्होंने एक ही सलाह दी है कि इनको तत्काल जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाना जरूरी है। तो वहां पर इलाज में जो है थोड़ा यानी कि ठीक से वहां पर इलाज सुलभ हो सकेगा, हायर सेंटर है और वहां पर विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं वो हैं। तो डूडी जो है व्यस्त बहुत ज्यादा थे पिछले कई दिनों से और लगातार दौरे कर रहे थे, देर रात झुंझुनू से लौटे थे, आज उनको अलवर जाना था और कल जिस बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं उसका भी एक बड़ा कार्यक्रम होना था। तो रेस्टलेस हो गए थे, ध्यान नहीं दे पा रहे शरीर पर। आज सुबह उनको पहले सिर में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर को बुलाइए, तो जो उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा डॉक्टर बुलाया इससे पहले कि डॉक्टर घर पे आता। और अब ये देखिएगा कि एसएमएस अस्पताल के लिए ड्यूटी को लेकर के ये जो विशेष एम्बुलेंस है ये रवाना हो गई है और कुछ ही मिनटों में यानी करीब 15 मिनट में ये एम्बुलेंस एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएगी जहां पर डूडी का उपचार किया जाएगा। सीधे आईसीयू में लेके जा रहा है उनको और वेंटिलेटर पर लिया जाएगा उनको। तो सारे उपकरणों से लैस है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको वहां पहुंचने में। लेकिन जो नेता है वो अपनी सेहत को भूल जाते हैं, चुनावी साल चल रहा है, चुनावी मौसम में अगर वो इस तरह से जो है अपनी सेहत के साथ समझौता करेंगे तो फिर इस तरह से जो है मुश्किलें पेश आ सकती हैं। बहुत ज्यादा
हार्ड वर्किंग कर रहे हैं सारे के सारे नेता, और उनमें से डूडी भी एक थे जिनकी कई जिलों का उनको जिम्मा दिया हुआ है, जहां पर वो दौरे कर रहे हैं, पार्टी के लिए रैलियां कर रहे थे। और पिछला चुनाव क्योंकि वो हार गए थे उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो इस बार उनको ज्यादा मेहनत अपने इलाके में भी करनी पड़ रही है, खासतौर से नौका में और श्री डूंगरगढ़ और लूणकरण सर, पता नहीं वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर से वो अपना एक वजूद खड़ा करना चाहते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे तो एक बड़ा चेहरा बन गए थे और उससे पहले वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाए पिछले कई दिनों से, तो रेस्टलेस हो गए थे, आराम नहीं कर पा रहे थे। और आज जब सुबह सिरदर्द की शिकायत हुई तो डॉक्टर को उन्होंने घर पे बुलाया, लेकिन डॉक्टर जब तक आते वो बेहोश हो गए घर पर ही। उसके बाद में यहाँ पर नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनको लाया गया, तो सीधे जो है डॉक्टरों ने उपचार की कोशिश भी की, लेकिन अभी उनकी तबीयत में कोई ज्यादा सुधार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी उनकी कुशलक्षेम पूछी, तमाम डॉक्टरों से भी उन्होंने बात करी है, तो सब ने एक ही राय दी है कि उनको तत्काल SMS अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए और वहां पर जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में इनका उपचार चलेगा, हो सकता है वहां पर सुधार जो है उनकी सेहत में जल्द आए। तमाम जो उनके शुभचिंतक है बीकानेर से लेकर जयपुर तक, वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और डूडी की जल्द यानी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाएं। अब उन्हें SMS अस्पताल रेफर किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोशिश की जा रही हो कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। शुभचिंतक भी पहुंचे होंगे वहां पर। जिले के बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और क्योंकि डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, तो सरकार की ओर से पूरी जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। HR कुड़ी है उनसे जानते हैं जो डूडी साहब से मिलकर के अभी अभी आए हैं। कुड़ी साहब, कैसी तबीयत है उनकी और SMS रेफर किया गया है, कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है आपको? SMS के वो डॉक्टर आ गए थे अचल शर्मा, उनकी एडवाइस पे वहाँ SMS शिफ्ट किया है, ठीक है, पोजीशन स्टेबल है, अच्छी पोजीशन है, डॉक्टर कह रहे हैं जल्द सुधार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल कितने कंट्रोल में है SMS, जो उनके फंक्शन है वो नॉर्मल है कुछ? हाँ सब नॉर्मल है फंक्शन, लेकिन कोमा में है फिलहाल। हाँ फिलहाल कोमा में कह सकते हैं क्योंकि एमरेज हुआ है, तो यहाँ हॉस्पिटल तुरंत लेके आ गए थे, मेडिकल एड मिल गई है, CM साहब भी बाजार गए थे, CM साहब के आने से बहुत सी चीजें ठीक हो गई, डॉक्टर भी आ गए, अब वहाँ लेके गए हैं। ये थे HR कुड़ी जो बेहद नजदीकी हैं रामेश्वर डूडी के, और बरसों से उनका लगाव रहा है, जब उनको भर्ती कराया गया था तब ये भी उनके साथ में थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में पहुंचे थे अस्पताल, तो तमाम जो शुभचिंतक हैं जो उनसे लगाव रखते हैं, रामेश्वर डूडी की एक खूबी है कि वो जमीन पर चलने वाले नेता हैं और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, जो मन में और रहता है उनके वही जबान पे आता है, और ज्यादा जो आजकल के जैसे नेता होते हैं वैसी उनकी शख्सियत नहीं है, जो मन में है वही बात उनकी जबान पर है, और ज्यादा श्रूड पॉलिटिशियन वो नहीं है, और यही वजह है कि LOP होने के बावजूद भी वो पिछला चुनाव हार गए थे, उनको ये लग रहा था कि मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा, तो लोकल परिस्थितियों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा था, और उसके बाद में वो पूरे राजस्थान के दौरे करते रहे, लेकिन नोखा में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो राजस्थान की सरकार ने फिर भी उनका मान सम्मान बहाल रखा, अशोक गहलोत ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और वो राजस्थान कांग्रेस के लिए कंधे से कंधा मिला।